That's adding, adding up. ये एड होगा विल्फर्ड क्राइड विल्फर्ड ने रोते हुए बोला मतलब रोया कहते हुए घबराया हुआ था वो दैट इजंट द दी टाइम्स टेबल ये जो है थ्री टाइम्स टेबल नहीं है मीन्स ये थ्री टाइम्स टेबल का सम नहीं है मे स्ट्रेचबल शाउटेड मे स्ट्रेचबल चिल्लाई दैट इज द थ्री टाइम्स टेबल थ्री टाइम्स टेबल ही है इसमें व थ्री सेपरेट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ईच लॉट हैज सेवन पीसेस तुम्हारे पास तीन टाइप के अलग अलग सेपरेट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स हैं और हरेक जो है सेवन है लॉट हैज सेवन पीस एक में एक टाइप में सेवन है थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन और थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन होते हैं कांट यू सी दैट नहीं देख सकते क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते आई विल गिव यू वन मोर चांस मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी आई हैव एट कोकोनट्स एट कोकोनट्स हैं मेरे पास एट हैजल नट्स हेजल नट्स होता है अखरोट एट हैजल नट्स हैं एंड एट मंकीनट्स मंकीनट्स मीन्स पी नट्स मूँगफली हैं हाउ मैनी नट्स डू आई हैव ऑल टोगेदर तो टोटल मेरे पास कितने नट्स हैं आंसर मी क्विकली जल्दी आंसर दो मुझे बाय नाओ विलफ्रेड वॉज फार टू फ्राइटेंड एंडल इवन टू स्पीक अब तक विलफ्रेड जो है इतना ज्यादा डर गया था वो फार टू फ्राइटेंड मीन्स डर जाना इतना ज्यादा डर गया बहुत ज्यादा डर गया था एंड बेविल्स कन्फ्यूज इतना ज्यादा कन्फ्यूज हो गया था इवन टू स्पीक कि वो बोल भी नहीं पा रहा था शी कॉट हिम बाय एन एंकल एंड हैल्ड हिम डैंगलिंग अप साइड डाउन लाइक अ प्लगड चिकन इन अफ विस्ो है मीन्स मिस स्ट्रेंचबल ने विलफ्रेड को uh, पैर से नीचे से एंकल टकना बोलते हैं उससे पकड़ के उठाया एंड हैल्ड हिम डैंगलिंग डेंगलिंग मीन्स हैंगिंग और उसे ऊपर उठा के अपसाइड एंड डाउन ऊपर नीचे इस तरीके से लटका लिया हैंगिंग मीन्स झूलते हुए लटकाते हुए लाइक अ प्लगड चिकन इन अ शॉप विंडो जैसे मीट शॉप में जो बाहर शॉप विंडो में चिकन जो है हैंगिंग होते रहते हैं मतलब लटका दिए होते हैं वैसे ही उसको भी उठा के लटका लिया ऐसे उसको इस तरीके से पकड़ के ऊपर उठा लिया एट ट्रीज मिस स्ट्रचबल शाउटेड एट ट्रीज मतलब आठ तीन बार एट ट्रीज मिस स्ट्रेंचबल शाउटेड वो चिल्लाई स्विंगिंग वेलफ्र फ्रॉम साइड टू साइड उसको एक तरफ से दूसरी तरफ झुलाते हुए स्विमिंग मीन ऐसे हिला रही थी जैसे कि झुला रही है बाय हिज एंकल एंकल को पकड़े हुए एट थ्रीज इज द सेम एज थ्री एट्स एंड थ्री एट्स आर ट्वेंटी फोर एट थ्रीज उतना ही होता है इज द सेम एज थ्री एट्स जितना थ्री एट्स होता है एंड थ्री एट्स आर और थ्री एट्स जो है ट्वेंटी फोर होते हैं जैसे हम कहते हैं ना थ्री एट्स आर ट्वेंटी फोर एट थ्री आर ट्वेंटी फोर तो वो बता रही है रिपीट दैट फिर से रिपीट करो एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट और ठीक उसी समय उसी क्षण नाइजल एट द अदर एंड ऑफ द रूम नाइजल जो रूम में दूसरी तरफ था जम्पड टू हिज फीट एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग एक्साइटेडली एट द ब्लैक बोर्ड वो कूदा और उसने जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया द चौक द चौक लुक एट द चौक इट इज मूविंग ऑल ऑन इट्स ऑन चौक चौक कहके चलाया लुक एट द चौक चौक को देखो ये जो है इट इज मूविंग ऑल ऑन इट्स ऑन खुद से ही हिल रहा है खुद से ही चल रहा है सो हिस्टोरिकल एंड श्रिल वॉज नाइजल स्क्रीम उसकी जो है नाइजल की जो स्क्रीम है वो इतनी ज्यादा हिस्टोरिकल मीन्स इमोशनल थी एंड श्रिल श्रिल मीन्स हाई पिच्ड इतनी ज्यादा पैनी थी ऊंची कह सकते हैं दैट एवरी वन इन क्लास की क्लास में हर एक इंक्लूडिंग मिस ट्रंचबल मिस ट्रंचबल भी लुक्ड अप एट द ब्लैक बोर्ड सभी ने जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा एंड देयर श्योर इनफ अ ब्रांड न्यू पीस ऑफ चौक वॉज हॉवरिंग नियर द ग्रे ब्लैक राइटिंग सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड और वहां पर एंड देयर शोर इनफ बिल्कुल वहीं पर अ ब्रांड न्यू पीस ऑफ चौक एक बिल्कुल नया चौक का पीस नया चौक वॉज हॉवरिंग हिल रहा था हॉवरिंग मीन वेविंग नियर द ग्रे ब्लैक राइटिंग सरफेस जो ग्रे ब्लैक राइटिंग सरफेस बोर्ड को बोला गया है उसके पास ऑफ द ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड के इट इज राइटिंग समथिंग कुछ लिख रहा है ये तो स्क्रीम्ड नाइजल नाइजल चिलाया द चौक इज राइटिंग समथिंग चौक जो है कुछ है, लिख रहा है